ग्वालियर शहर में उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला सामने आया है। डॉक्टर सोनकर सहित चार लोगों पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीनी धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेता पर किसी की जमीन विवाद का मामला दर्ज हुआ है। ये एक जमीन से संबंधित मामला था। यहाँ लोकल में रहने वाले मुकेश कुमार गई ने मुझे एक जमीन के लिए संपर्क किया और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जो कि पूर्व सांसद हैं बनारस मछली शहर से, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं बीजेपी के और STACIO के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाई। रेदास फाउंडेशन के नाम से एक समिति है उनकी, जिस पर उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक जमीन का यहाँ पर करा रखा था, उसमें उन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर किया 50% का, और 50% के 60 लाख रुपये लेने के बाद उन्होंने 30 लाख रुपए अपने अकाउंटों में भांजों के ट्रांसफ़र कराए और 30 लाख रुपए नगद लिए। लेकिन उसके बाद लगातार मुझे टरकाते रहे, ना ही तो ज़मीन की रजिस्ट्री करी और ना ही मेरा पैसा लौटाया, और कार्रवाई करने के लिए भी मेरे ऊपर अनाप शनाप दबाव डालते रहे। मैं जहाँ भी कार्रवाइयों के लिए गया, मैंने बहुत सारी जगह शिकायती आवेदन दिए, लेकिन चूँकि उनकी राजनीतिक पहुँच बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह से मुझे लौटा दिया गया। अंत में आकर के अब ये मेरी FIR हो पाई है। चार लोग हैं इसमें, मैन है विजय सोनकर शास्त्री, दूसरे मुकेश कुमार गई, दिलीप सोनकर, जगदीश सोनकर। ये झांसी रोड थाने पे कुछ से 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच CSP के माध्यम से थाने से करवाई गई थी और थाने से एक प्रतिवेदन CSP के पास में गया है। कल CSP मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक FIR पंजीबद्ध हुई है जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के बदले जो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें FIR पंजीबद्ध हो गई है लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए, पर्सनली भी संभवतः हुए आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक FIR हुई है। तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। FIR अभी 420 में हुई है लेकिन अभी पूरा जिस तरीके से अनावेदक पक्ष ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे हैं तो जो भी तथ्य आएंगे उनका जो भी एविडेंस आएगा उस हिसाब से इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए चूँकि थोड़ा सा मैटर अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, फरियादी कुछ कह रहा है और अनावेदक कुछ कुछ और कह रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है एक SIT बनाई जाएगी और TI लेवल के अधिकारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बताया जा रहा है कि साल 2013 में ग्वालियर निवासी संजय परमार को झांसी निवासी मुकेश घई ने एक जमीन जो कि शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर है दिखाई थी। उसने बताया था कि यह जमीन तत्कालीन सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रेदास फाउंडेशन की है जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश ने अपने नाम बताई। कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जताई और साल 2013 में ही उसका एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर, जगदीश सोनकर, दिलीप सोनकर व मुकेश घई के साथ किया था। उसने अलग अलग खातों में तकरीबन 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अब तक उसकी जमीन की ना तो रजिस्ट्री हुई और ना ही उसे उसके पैसे वापस मिले हैं। थक हार कर वो पुलिस के पास पहुंच और मामला दर्ज करवाया है। मृदुभाषी प्रदेश के लिए ग्वालियर से वेंकटेश की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।